चीज ये है कि अखिलेश यादव तमाम छोटे छोटे दलों को एक साथ लेकर आए, आरएलडी यहां पर किसान आंदोलन का एक बड़ा जो प्रभाव था वो देखने को मिल रहा था, लेकिन वो भी ऐसा ही रहा, वो भी निष्क्रिय रहा। तो ये सब जो चीजें थी जो दिखती तो हैं, आज के दौर की बात करूं, आज की राजनीति की दिखती हैं, लेकिन जब चुनाव पड़ जाते हैं, जब ईवीएम में जब बंद हो जाती है किस्मत, जब खुलती है तो बीजेपी दिखती है। तो ये क्या हो रहा है, ये समझ भी नहीं पा रहे, राजनीतिक पंडित भी नहीं समझ पा रहे हैं आजकल। तो ये थोड़ा समझाइएगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी, समस्या कहां आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। मैं लगातार आपके चैनल पे रहा हूं और मेरा स्टेटमेंट शुरू में ही था, एटलीस्ट मैं तो समझ रहा था क्या होने वाला है। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मैंने बोला था कि सरकार बनेगी बीजेपी की, सीटें कम ज्यादा हो, और मैंने ये भी बोला था 300 पार वाला जो है वो बीजेपी का नारा जो है सफल नहीं होगा। देखिये, सवाल क्या है, चुनौती देने वाला अखिलेश यादव ने फ्रंटल अटैक किया, सामने से चुनौती दिया, अच्छी बात है। जब आप अटैक करते हैं ना तो आपको 1:3 का रेशियो यानी 3 गुना ज्यादा ताकत आपको लगानी पड़ती है। जब आप सत्ता में होते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट आपके साथ जुड़े रहते हैं, जैसे बहुत सारी योजनाएं चला करके आप जनता से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, उनके टच में रहते हैं, राशन वगैरह इन सब चीजों का। विपक्ष में अगर आप हैं तो आपके पास काम करने के लिए मौका नहीं है, आप केवल सत्ता पक्ष की बुराई करेंगे, मुद्दों को उठाएंगे, यही होता है। आप जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते क्योंकि सरकार में नहीं है। ये नेचुरल मौका था, नेचुरल यूएसपी था बीजेपी का कि वो सत्ता में थे और लगातार 5 साल जो भी योजनाएं रही और उन्होंने जनता को ये सर, एंटी इनकंबेंसी भी तो ऐसे में घाटा होता है। नहीं नहीं, सुनिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये भी बोला था कि चुनौतियां बीजेपी के पास भी बहुत जबरदस्त हैं और पहले से ज्यादा कठिन चुनौतियां हैं और नवीन तरीके की, नए तरीके की चुनौतियां हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे मैंने एक लाइन और बोला था, चुनौतियां होना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है अगर उन चुनौतियों का मैनेजमेंट कर लेने में कोई पार्टी सक्षम है। चुनौती तो समाजवादी पार्टी के पास थी, बीएसपी के पास थी, लेकिन पूर्णतः समाजवादी पार्टी मैनेज नहीं कर पाई, इसलिए 100-112 सीट पे सिमट गई। बीजेपी के पास जो चुनौती, बीजेपी के पास बल्कि ज्यादा चुनौतियां थी। बीजेपी के पास पहली चुनौती थी आंतरिक चुनौती, मतलब अपने पिछले परफॉर्म को ही तोड़ना, एंटी इनकम्बेंसी जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, ये उनकी अपनी चुनौती हो गई, उन्हीं के द्वारा क्रिएट की गई चुनौती है। हाँ, और दूसरी चुनौती वो है जो विपक्षी दलों ने बीजेपी के लिए क्रिएट करी थी, डिफरेंट डिफरेंट मुद्दे उठा के। मैं मानता हूं महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा था, लेकिन विपक्षी दल इनकैश नहीं करवा पाए। मैं मानता हूं किसान आंदोलन का मुद्दा एक मुद्दा था, लेकिन किसान आंदोलनकारी और विपक्षी लोग उसका फायदा नहीं ले पाए। मैं मानता हूं बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, था, रहेगा, लेकिन विपक्षी उसको इनकैश नहीं कर पाए। तो बीजेपी ने या योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? अब आप ये देखिए, सारे मुद्दों से बढ़ के जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, अपने जान माल और परिजन को, इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया, लेकिन योगी जी हमेशा इस चीज की चर्चा करते रहे, चाहे बुलडोजर के रूप में, चाहे माफिया शब्द का प्रयोग करके, चाहे कुर्की नीलामी करवा करके। एक बहुत जबरदस्त साइलेंट जो है इंप्रेशन इस चीज का पड़ा है। आप ये देखिए, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, करोड़ों रुपए आपके पास हो, लेकिन आपके जान की जब बाजी आती है तो आप पैसे छोड़ के अपनी जान बचाते हो। मतलब आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी वाला जो टैग है वो नहीं हटा पाई समाजवादी पार्टी? कोई भी नहीं हटा पाया। मैं तो ये बोलता हूँ, इसके पहले बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री हुए, नेता हुए, सारी चीजें हुए, हार्वर्ड से पढ़े हुए यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेशनल रहे, आईजी, डीआईजी, आईएएस, पीसीएस सब रहे, लेकिन ये जो एक क्राइम का मुद्दा था उसको कोई मैनेज नहीं कर पाया। अब एक मठ से निकल करके एक आदमी ने क्राइम के मुद्दे को सॉल्व कर दिया, सीधे उन्होंने अटैक किया, इतनी बड़ी दुश्मनी ली, इतना बड़ा खतरा मोल लिया। भाई म्यांमार में भी जो एक विराथू एक साधु था, उसने यही तो किया बिना किसी राजनीतिक पद पे होके। तो सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है जो लोगों के दिलों को छू गया है, महिलाओं को, बेटियों को, माताओं को, बहनों को, ठीक है। इस मुद्दे की कोई काट विपक्ष नहीं निकाल पाया, ना विपक्ष अपने पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट कमियों के कारण देखे तो विपक्ष का कैसा, समाजवादी पार्टी का एकदम गुंडागर्दी वाला ही परसेप्शन बना हुआ है, वो उसको चेंज नहीं कर पाए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का परसेप्शन तो ये बना कि भाई जब ये उपयोगी ही नहीं है किसी चीज के लिए तो इनको वोट क्यों दिया जाए। अभी तक राहुल गांधी के ऊपर टैग था कि ये जहां जाते हैं नैया डूबोते हैं, उनसे भी आगे बढ़ के प्रियंका गांधी के ऊपर। अच्छी चीज नहीं है, ये चिंता की बात है। अखिलेश ये बताइए 2024 में ये क्या होगा फिर? बोलिए कुछ। देखिए 2024 में
अभी से बोल देता हूं वो बीजेपी का होगा। अब आप पूछेंगे आप बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बना हूं। देखिए लगातार हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं विपक्षी दलों की, उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले 9 सालों में 20 सालों में अगर नहीं सुधार पाए, कांग्रेस के पास 60 साल का एक्सपीरियंस है, आप हर बार 5 साल के बाद चुनाव हारोगे और बोलोगे अब हम अगले 5 साल के बाद अगली बार देखेंगे। तो लोग भी तो अखिलेश जी, फिर लोग भी, फिर अखिलेश जी फिर लोग भी चिंतित हैं कि अगर कोई होगा ही नहीं इनका राइवल ढंग से लड़ाई करने के लिए, तो फिर तो अपनी मनमर्जी चलेगी, लोकसभा में ज्यादा सीटें हैं कोई भी। अब देखिए आज भी लोग कह रहे हैं कि जब मन चाह कृषि कानून ले आए और जब मन चाह कृषि कानूनों को वापस कर दिया। नहीं नहीं लोग चिंतित नहीं है, देखिए क्या है कृषि कानून को लाना और वापस करना ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। लोग आज चिंतित हैं, मैं आपको बता दूं 80 और 20 का जो फार्मूला है मैंने आपके चैनल पे बताया था, 80% लोग इसलिए चिंतित हैं कि चाइना अटैक कर रहा है, पाकिस्तान अटैक कर रहा है, इंटरनेशनल साजिशें चल रही है, दुश्मनी चल रही है और इकोनॉमी इंडिया की सेफ रहेगी कि नहीं, पहली चीज लोग चिंतित हैं अपने जान और माल के लिए चिंतित हैं। जो खतरा 25 साल के बाद आने वाला है, 30 साल के बाद आने वाला है या 50 साल के बाद आने वाला है, वो खतरा क्या है आप कह रहे हैं लोग जाने खगही की भाषा आप समझ गए, दूरदृष्टि दूरदृष्टि लोगों लोगों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित है कि नहीं है, हमारा राष्ट्रवाद, हमारा सनातन सभ्यता की परंपरा, हमारे तीज त्योहार सुरक्षित है कि नहीं है, हम मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। ठीक है बिल्कुल ठीक है पुष्पेंद्र जी, अब इसी में समाजवादी पार्टी का एक युवा टाइप का नेता आकर के बोलता है कि 6 महीने किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले हिसाब किताब लिया जाएगा, तो इससे तो जनता और भय में आ गई कि भैया ये इनकी अभी ये हालत है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जिन पत्रकारों ने जो बोला है, जिन नेताओं ने ऑफिसर्स ने बोला है, सबका लिस्ट हमने बना के रखी हुई है, सबका हिसाब होगा। तो छवि है, छवि से उभर नहीं पाए, निकल नहीं पाए, बहुत एग्रेसिवली कैंपेनिंग की है आप ये कह रहे हैं। सुनिए नहीं नहीं गलत, एग्रेसिवली नहीं की है, रॉन्ग पोजीशनिंग, रॉन्ग कैंपेन। आप जनता को भयमुक्त करने आए हैं कि भययुक्त करने आए हैं, आप मुझे ये बताइए। जनता भयमुक्त होना चाहती है, आप भययुक्त की बात कर रहे हैं। भाई वोट आपको किसी ने नहीं दिया, किसी ने आपके खिलाफ बोल दिया तो आप उसकी गर्दन काट लेंगे, धमकी देंगे लोगों के मन में। और आपके ये जो नेता थे, ये जो बड़बोले नेता जो बयानबाजी करते रहे, कोई कह रहा है कि 6 महीने किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, यहीं रहा जाएगा और हिसाब किताब किया जाएगा सर, मतलब और उनको छोड़िए, आपके जो सबसे बड़े जो नेता अखिलेश यादव मंच से खड़े होकर ए पुलिस ये हर फोन तक पहुंची ये वीडियोस। नहीं सर एक बात बताइए, अभी मैं अखिलेश जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि 6 महीने ट्रांसफर की बात, सर उसका जो तात्पर्य है उसको समझिए, वो इसलिए कहा गया जो लोगों को समझने जनता को अब तात्पर्य कैसे समझे, सुनिए मुझे समझाइए 23 साल बाद बीजेपी आई थी, जनता समझ रही है, समझ रहे हो, वो इतना ये राजनीति है, राजनीति में कोई भौकाल नहीं होता है, सुनिए हमारी बात, हार जीत नहीं रहती है, हम कर सुनिए इंतजार करेंगे, दिखाएंगे भी। अरे बोले अखिलेश जी एक काम करिए ना, आप बीजेपी की तरफ से पहले जो कहना है वो कह दीजिए, उसके बाद मेरी बात सुन लीजिएगा, तभी सीख लीजिएगा सर। जब मैं आप बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था, मैं बोला नहीं था, तो मैं बोला सुनिए मेरे बात को, गुंडागर्दी वाला जो टैग है क्यों नहीं हटा पाए भाई, ये बता दीजिए बस कि राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। अब है नहीं तिवारी जी, वरना सवाल जरूर करते। अखिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन तिवारी जी अगर जुड़े तो ठीक है, चलिए तिवारी जी अभी फिलहाल के लिए डिस्कनेक्ट है, और अखिलेश जी कहना चाह रहे हैं। अखिलेश जी देखिए मैं बताऊं, एक तो सम्मान है, कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी दल हो, हार जीत होती रहती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं कि कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा अनुभव रहा है। लेकिन बात जो राहुल गांधी के संघर्ष की है ना, तो मुझे बड़ा कोष्ट होता है अपनी किस्मत पे, काश मुझे भी ऐसा संघर्ष करने का मौका मिला होता कि बचपन से ही सोने के चम्मच में बैठे होते, हेलीकॉप्टर से स्कूल गए होते, नौकर चाकर होते, BMW से हम जाते, घूम के चले आते और हेलीकॉप्टर से जाते, प्रचार करके आते। नहीं सर वो भी याद आता है अखिलेश जी वो भी याद आता है 23-24 तारीख को नहीं होता है थोड़ा सा मुझे भी मेरे भी कह लीजिए 23-24 तारीख को अभी भी याद है हमें 23-24 दिसंबर को एक ट्वीट आता है कि किसान आंदोलन के सपोर्ट में, और 25 तारीख को पता लगता है कि राहुल गांधी साहब तो कहीं और चले गए, तो ये भी एक संघर्ष। नहीं उसी तरीके का संघर्ष मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी मौका दे कि हेलीकॉप्टर में बैठ के मैं जाऊं और घूम के आ जाऊं। संघर्ष किसे कहते हैं, मैं पक्ष विपक्ष दोनों की बात करता हूं।
आप मोदी जी के आरंभिक जीवन को देखो जो पैदल यात्रा करते थे ट्रेन और बस से, हाँ आप और विपक्ष में देखिए कौन सही रहा कौन बुरा। संघर्ष मुलायम सिंह यादव ने किया, जब साइकिल पंचर हो जाती थी तो बनवाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे और उस साइकिल को उन्होंने सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। सही गलत की बात मैं नहीं करता हूँ, संघर्ष जो जमीन से उभरे हुए नेता है, लालू प्रसाद यादव सही है गलत है उसका वो नहीं है, संघर्ष उन्होंने किया कि एक कमरे में संघर्ष ये होता है, संघर्ष ये नहीं होता है कि 10 जनपद में आप जेड प्लस सिक्योरिटी में पैदा हो और हेलीकॉप्टर से जाके आप कुछ भी बोल के चले आए। तो इनको तो संघर्ष की परिभाषा भी शायद कांग्रेस भूल गई है। जिन्होंने नेहरू जी ने क्या संघर्ष किया था आप मुझे बताइए, मोदी जी ने लाठी नहीं खाई तो क्या नेहरू जी ने लाठी खाई थी? एक उदाहरण जी ने लाठी खाई, बिल्कुल खाई थी। मुझे लगता है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप एक पत्रकार होने के बावजूद भी भारत के इतिहास को लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। बात करेंगे अखिलेश जी, थोड़ा सा तिवारी जी, तिवारी जी आपके पास आऊंगा, तिवारी जी पूरा टाइम, तिवारी जी प्लीज डोंट फाइट, तिवारी जी आपस में बोलिए, तिवारी जी, तिवारी जी जहां पर सारी सुविधाएं मिलती थी ऐसा नेता जेल से बैठ के अपने परिवार को पत्र लिखते थे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे एक बात बता दीजिए, आप इतिहास मत समझाइए मुझे, कृपया इस टेलीविजन चैनल पर आप पत्रकार हैं बताइए, दुनिया का कोई ऐसा पॉलिटिशियन बताइए जिसने पूरे दुनिया के इतिहास को एक किताब में कंपाइल कर दिया हो। ही वाज नेहरू, 10 साल तक नेहरू जेल में रहे। सुन लीजिए मैं आपको, नेहरू की किताब का वोट मांगने के लिए छोड़िए, चलिए अंधभक्त का उदाहरण दे दीजिए, नेहरू जी भक्त का उदाहरण, अब नेहरू जी भाषण देने थोड़ी ना आएंगे सर, तिवारी जब नेहरू जी भाषण देने थोड़ी ना आएंगे जो उनके नाम पर वोट मिल जाएगा, ठीक है छोड़िए। तिवारी जी महान नेता थे, बड़े नेता थे, मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी के, नेहरू जी बड़े नेता थे, महान नेता थे, हम मान लेते हैं देश की आजादी में कभी जेल गए थे? अरे क्या बात करते हैं, तिवारी जी, तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी, तिवारी जी मुझे अखिलेश जी से और भी कुछ पूछना, आटा की चक्की नहीं चलाते थे तिवारी जी? अरे अखिलेश जी आपसे कुछ बात करें, तिवारी जी का, तिवारी जी का ऑडियो म्यूट कर अखिलेश जी और जानना चाह रहा था, क्योंकि पुष्पेंद्र जी आपकी बाजू वाली खिड़की पर है, ये और जानना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि संघर्ष किया, मुलायम सिंह यादव ने भी संघर्ष किया, तो ये जो संघर्ष ट्रांसफर होता है पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में, तो फिर संघर्ष की जो वैल्यू है वो घट जाती है, क्योंकि अखिलेश यादव को उतना प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है, ये आपसे पूछ रहे हैं। अरे सर एक मुहावरा है बड़ा पुराना, हाँ वो कहा जाने पीर पर आई, हाँ, जाके पैर न फटे बिवाई, हाँ, तो राहुल गांधी के पैर में बिवाई फटा है, ये क्या समझेंगे देश और जनता का दुख दर्द और मिजाज? हाँ, प्रियंका गांधी के पैर में जो है बिवाई पड़ी है, हाँ, आप मुझे बताइए नेहरू जी कितना पैदल चलते थे, आप हेलीकॉप्टर और मोटर, विंटेज कारें जो आज होती है वो उनके टाइम पे होती थी, दुनिया की बेहतरीन कारें होती थी, ठीक है महान नेता थे, प्रधानमंत्री थे, वो सारी चीजें मान्य है, लेकिन अगर संघर्ष की बात करें तो आप संघर्ष तिवारी जी आऊंगा, आपको ऑडियो नहीं आ रहा है तिवारी जी प्लीज, आप आऊंगा, आप पर भी आऊंगा अखिलेश जी, चाहे वो बीजेपी से हो, सपा से हो, बसपा से हो, किसी भी पार्टी से हो, संघर्ष उन्होंने किया था। मैं यूपी में भी अभी बहुत सारे ऐसे नेताओं को बताऊंगा, पार्टियों को बताऊंगा जिनकी पहली पीढ़ी ने संघर्ष किया है, जिनके पास जाने के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल तक से उन्होंने यात्रा की है, साइकिल तक संघर्ष, आप वाजपेयी जी का देखिए संघर्ष, उन्होंने लोहिया जी वगैरह जो थे उन्होंने क्या संघर्ष किया है वो देखिए, चंद्रशेखर जी थे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके संघर्ष को देखिए कि उनको जीत तक नहीं नसीब हो पाई थी, पैदल गए थे। तो संघर्ष की परिभाषा ये नहीं है सर कि हेलीकॉप्टर में बैठ गए और चले, ये संघर्ष नहीं है। तो पहले के नेता जो संघर्ष कर पार जाते थे, पहले के नेता जो संघर्ष कर पार जाते थे आज कहां पा पाएंगे? आप लोहिया जी की बात करें, लोहिया जी को दिल्ली की बसों में लटक कर सफर करते थे, आज कोई लटक कर सफर, संघर्ष है सर वो? नहीं नहीं है, किसने बोला नहीं है सर, आप मुझे ये बताइए। मैं कह रहा हूँ वो तो संघर्ष है, आज की डेट में संघर्ष से कुछ मिलेगा? आप ये बताइए बीजेपी का लखनऊ में जो कार्यालय है और समाजवादी पार्टी का जो लखनऊ में कार्यालय है, वहां पर आप साइकिल से जाइए टिकट मांगने, स्कूटर से जाइए, अल्टो से जाइए, 800 से जाइए, आप गेट के अंदर भी नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत परसेप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी ने ऐसे लोगों को भी एमपी और उसमें टिकट दिए हैं जो कहीं कुटी में झोपड़ी में रह रहे थे, उनको बुला के टिकट दिया गया है, ठीक है। रही बात संघर्ष की, तो एक संघर्ष के बाद आपको अपना फल मिलता है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा
तो आप बता ही दीजिए राहुल गांधी का संघर्ष का पीक पॉइंट क्या है, राहुल गांधी के संघर्ष का पीक पॉइंट कब आएगा बता दीजिए। तिवारी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नहीं हमें क्या पता, ये तिवारी जी बताएंगे ना कि उनका उनका संघर्ष का ये पीक पॉइंट चल रहा है कि अभी पीक पॉइंट आना बाकी है। मिश्रा जी सुन लीजिए, राहुल गांधी जनता के प्रति प्रतिबद्धित लोग हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, जनता समझ रहे हैं ना, जनता उनको चुन करके भेजती है। अमेठी से लोगों का अमेठी से जीत के वाहन हार गए थे ना, सुन लीजिए ना, अमेठी से जीत के वाहन हार गए थे ना, ग्वालियर से चुनाव हार गए थे। आप इतिहास को समझिए, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे तो क्या हो गया? आप पता क्या बोल रहे हैं, लोकतंत्र में क्या हो गया? जनता के लोगों को, अपने ही जनता को और उनके सोच का सोच के प्रति आप उंगली उठा रहे हैं। आप तो लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं। आपको शुभकामनाएं आपको देता हूं और विपक्षियों को देता हूं, कांग्रेस को भी देता हूं। अब आप तय कर लीजिए कि 5 साल में आएंगे कि 15 साल संघर्ष चलेगा कि 25 साल की 35 साल। जब तक मेरी शुभकामनाएं हैं राज मिश्रा जी, राजनीति में इसका कोई विश्लेषण नहीं होता है, राजनीति प्रतिबद्धता है और हम प्रतिबद्धित लोग हैं। सर देखिए, कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। देखिए सर, सत्ता की बात तिवारी जी, जो बात हम क्या कर रहे हैं, हम सत्ता में नहीं है उसके बावजूद भी कांग्रेस के प्रति पर हम सहमति रखते हैं। अरे मिश्रा जी सुनिए, वहाँ पे अरे मिश्रा जी सुन तो दीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। 7 वर्षों में ये जो बौद्धिकता आप दर्शा रहे हैं टेलीविजन चैनल पर, आपकी बौद्धिकता 7 वर्ष पहले लकवा मार गई थी क्या? आपको नहीं पता था क्या? ये जो आप बता रहे हैं आज की तारीख में, ये जो बौद्धिकता है ना, उस बौद्धिकता को बेचने का काम मत करिए। ठीक है, चलिए तिवारी जी, तिवारी जी अखिलेश जी जवाब दीजिए, लेकिन तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी आप तिवारी जी जो सोच कर आए हैं वो बोलना है। तिवारी जी जो हट कर आए हैं वो बोल ही देंगे क्या? तिवारी जी सवाल लीजिए, तिवारी जी जो जो याद रखे, अखिलेश जी बिल्कुल, आप अखिलेश जी पूरी बात सुनिए, अखिलेश जी पूरी बात प्लीज। यूपी का चुनाव जीत गई है और जो है प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री का शपथ ले रही है 2024 में कांग्रेस में राहुल गांधी, आप खुश है? तो लीजिए आप खुश है ना? जैसे अगर ये हो जाता तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के रहते हुए अब कार्यक्रम को बाइंड अप करने का समय है, लेकिन प्लीज कार्यक्रम को बाइंड अप करने का समय है। तिवारी जी अरे मिश्रा जी फुल रिस्पेक्ट के साथ, तिवारी जी फुल डिसेंसी के साथ, तिवारी जी जो कुछ सोच कर आए वो आज ही बोल देंगे। तिवारी जी प्लीज, कई राज्यों में नहीं है। तिवारी जी अभिवादन स्वीकार करिए आप, ठीक है, कार्यक्रम को बाइंड अप करने का समय है। तिवारी जी नहीं होता लोकतंत्र, तिवारी जी रुकिए भाई, हार गए इसको स्वीकार करते हैं, ठीक है स्वीकार करिए। तिवारी जी जनता के प्रति प्रतिबद्धित लोग है, राहुल गांधी चुनाव हार गए, राहुल गांधी चलिए तिवारी जी का, तिवारी जी आप सुन लीजिए, तिवारी जी बात, राहुल गांधी जिस परिवार म्यूट से है, उस परिवार के बावजूद अखिलेश जी के म्यूट कर दिए, म्यूट कर दिए, उनका दोष है क्या? म्यूट कर दिए अखिलेश, उनका दोष नहीं है, तिवारी जी ने सुना नहीं, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। अखिलेश स्थिति दरअसल कांग्रेस की आ गई है, स्थिति कांग्रेस के अखिलेश जी ये आ चुकी है कि इनके पूर्व कानून मंत्री हैं, सेंटर में जो कानून मंत्री थे सलमान खुर्शीद साहब, उनकी वाइफ है लुईस खुर्शीद, वो उत्तर प्रदेश में फरखाबाद जो जिला है वहां की सदर सीट से चुनाव लड़ी थी, लुईस खुर्शीद सलमान खुर्शीद की जो वाइफ है, महज 2000 वोट पड़ा है उनको। और दूसरी साइड थे बीजेपी के मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, 1,20,000 वोट पड़ा है उनको, 2000 वोट, सलमान खुर्शीद की वाइफ, खुद सलमान खुर्शीद कैंपेनिंग कर रहे थे। तो ये देखिए सर स्थिति कहां आ गई। तो यही एक चिंता की बात है जो मैं अपने विपक्षी बंधुओं से मैं बोलता हूं तो उनको बुरा लगता है। ठीक है, कभी आपकी तूती बोलती थी, अब वो इतिहास के पन्ने में दफन हो गया है। 1950 में आपकी सरकार थी तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये बोल दूं कि यूपी का चुनाव आप जीत गए हैं? मैं ये बोल दूं कि हाँ इस वक्त देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं? तो ऐसा तो इंटेलेक्चुअलिटी मुझे नहीं चाहिए। अगर हम करंट की बात कर रहे हैं, आप चुनाव हारे हैं, आप जानना भी नहीं चाहते हैं, आप ये चाहते हैं चुनाव हारने के बाद भी हम ये बोले कि चुनाव जीत गए हैं, बिल्कुल दिलासा देने की बात है, ठीक है बिल्कुल। नहीं, विपक्षी दलों का जो पूर्वाग्रह है ना, ये इनको गर्त में,
आपने बताया लुईस कुर्सी 2000 वोट पाई है, तो अब उनको क्या बोलेंगे? उनको यही बोलेंगे ना कि आप इंट्रोस्पेक्शन करिए कि नहीं समीक्षा भी कब तक नहीं, हम अगले कब तक समीक्षा करी जाएगी? समीक्षा का भी एक तरीका, उसके लिए मैंने हर बार समीक्षा, हर बार समीक्षा, हर बार समीक्षा, उसके लिए मैंने कांग्रेस के नेता से पूछा कि आप हमें बता दीजिए 5 साल आप करेंगे संघर्ष, 10 साल करेंगे, 20 साल करेंगे कि 30 साल करेंगे? ये विपक्ष के लोग बताएंगे कब तक समीक्षा करेंगे, कितने सालों तक करेंगे? ठीक है सर, समय की कमी के कारण